बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर विभिन्न जन संगठनों द्वारा एक दिवसीय धरना देकर अजमेर एयरपोर्ट विस्थापितों के साथ सरकार द्वारा मुआवजा राशि देने में किए गए अन्याय और केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अध्यादेश दोबारा लाए जाने का विरोध किया गया। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और किसान संघर्ष समिति के तत्वावधान में खातेदारों को न्याय दिलाने के लिए सामाजिक संगठनों के समर्थन से दिए गए एक दिवसीय धरने में पीयूसीएल के स्टेट लेवल अधिकारी डीएल त्रिपाठी, अध्यक्ष ओपी रे, कार्यकर्ता कविता श्रीवास्तव सहित अनेक संगठन पदाधिकारी और ग्रामवासियों ने धरने में भाग लेकर अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाकर उचित मुआवजे की मांग की। आज का धरना हमने किसानों की जमीन छीनने के षड्यंत्र के पीछे हमने यहाँ धरना किया। पिछले एक महीने से राठौड़ों की डाणी और खींची गांव के अंदर बराबर 15 माह से लगातार धरना चल रहा था। सरकार के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी, इसलिए आज इस धरने को हमने कलेक्टर महोदय के बाहर लाके सरकार को एक चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया है। हम सबको पता है कि ये एयरपोर्ट का जो स्थान चुना गया है वो आर के मार्बल्स की नजदीकी का सोच के एक कंपनी के मालिक और उसमें 500 साल पुराना तालाब जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने पुराने पुराने गांव जा रहे हैं, लोग बेदखल हो रहे हैं, खेती किसानी से हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे। और ये सरकार एकदम लोगों को गरीब करने में तुली हुई है। जब खेती किसानी होती है तो एक इज्जत से जीवन जीते हैं, आज उनको निकाल के मुआवजा के नाम पे कुछ भी नहीं, एक राठौरों को ढाणी को तो डिक्लेयर कर दिया अतिक्रमण। जहाँ तक भूमि अधिग्रहण बिल का सवाल है जो 2013 में तमोबेश देश के किसानों में हित में बना हुआ कानून था, उसको केंद्र की सरकार अब पलटने जा रही है, जिसका पूरे देश के किसान संगठन और किसान और ग्रामीण जनता जबरदस्त विरोध कर रही है। एक बात, उस विरोध के तहत हम इस विरोध के साथ हैं।